ये मैनू लगता इजाजत नहीं देनी चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए। तुसी अग ला रहे हो, सदियां तो अग ला रहे हो, सरकार थोनू कहती अग ना लाओ, क्योंकि जो पोल्यूशन के नाल बहुत सारे ऐसे लोग है जिन्हों सह नहीं आता। और आने वाले समय के भी कहोजा वातावरण होएगा पंजाब का, ये साड़िया आने वाली पीढ़ियां भुगतना पड़ेगा। पर ये किसान की एक गल है भी किसान का यह मसला नहीं हल होया। 2500 रुपया सरकार ने कहा सी कि असी प्रति एकड़ मुआवजा देंगे, तुसी पराली नूं अग ना लाओ, वह गल्ला ही रह गई। कहिंदे सी 1000 रुपया असी देंगे, 1500 तुसी दिओ, वह 1000 रुपया भी नहीं किसी ने दिता। अल्टीमेटली किसान अग क्यों लाउंदा है? किसान इस करके अग लाउंदा है क्योंकि उहदा तेल का खर्चा उस पराली नूं विच बोन वेले ज्यादा लगता, 3-4 वारी वह बोनी पैंदी है, उहदा तेल लगता है, उहनूं लगता है कि मेरा इन्ना 3000 का तेल लगेगा, इस तो बेहतर है मैं अग ला दिया, क्योंकि उन्होंने तो आज तुरंत सोच रहे ना वातावरण दूषित हो रहा है, इस कोई दो राय नहीं, ना ना इस कोई दो राय नहीं, इस कोई दो राय नहीं, वातावरण दूषित हो रहा है। आनिया आने वाली पीढ़िया से असं कंडे बीज रहे हैं, लेकिन सरकार ने कुछ और किया नहीं है। पर नाल ही नाल मैं सरकार को बेनती करांगा, तुसी कुछ ना कुछ कहो, केवल अखबारी इश्तिहार ना दो। आप ही मान साहब कहते होंगे भी बस पे लिखा होता है बीड़ी पीने से आपकी सेहत का, आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं या लंग्स खराब हो सकते हैं, इहदे नाल नहीं प्रेरित होना, प्रेरित कुछ करना पैना है, किसानों को कुछ देन। पर नाल ही नाल मेरी यह भी बेनती है भी किसान भी थोड़ा ध्यान रखन, आ जमा गलत गल है भी तुसी सरकारी कर्मचारी नूं कहो भी लिया अगला, ये तो बिल्कुल गुंडागर्दी हुई। किसी भी व्यक्ति नूं चाहे वह राजा वड़िंगा है, चाहे वह किसान है, ते चाहे कोई सरकार का व्यक्ति है, क्यों ना कोई मुलाजम क्यों ना हो, ना ही तो मुलाजम नूं भी कानून आपके हाथ में लैन की इजाजत नहीं है। अग लाउण वह बजाउण वास्ते जां कहण वास्ते आए सी भी ना लाओ, ये कह नहीं लाते पर लाई जा रहे। किसी ने कोई फड़के अंदर तो नहीं दिता, पर मैं नाल नाल ये कहना भी सरकार नूं इन्हां किसानां दा मसला हल करना चाहिए। इन्हों 3000 रुपया या 2500 रुपया या 1500 रुपया देना चाहिए ता जो किसान अग ना ला सके, किसान वातावरण बारे भी सोचन। पर किसानां नूं ये भी मेरी बेनती है।